हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो मेरा नाम है गुरप्रीत, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइव। आज की ये जो वीडियो है वो रहने वाली है उन लोगों के लिए बहुत ही खास जो यूके में जल्दी ही यहाँ पे डिपेंडेंट वीज़ा पे आने वाले हैं, या फिर जो यहाँ पे आने वाले हैं स्किल वर्क वीज़ा पे, क्योंकि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं स्पेशली वीज़ा एप्लीकेशंस को लेके, जो कि मैं आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो डोंट स्किप दिस वीडियो अगर आप इन दोनों में से किसी भी वीज़ा कैटेगरी पे आने वाले। उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीज़ास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं देन इस चैनल पर डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ़ यू आर न्यू एट माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं मेनली जो टॉपिक है जो आज की वीडियो रहने वाली है। जो सबसे पहले मैं बात करूँगी वो मैं करूँगी डिपेंडेंट वीज़ा वालों के लिए, डिपेंडेंट वीज़ा में क्या चेंजेस हो रहे हैं। उससे पहले कि मेन टॉपिक पे आऊँ, कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देती हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी जैसे मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कुछ वीडियोज़ पे कि क्या हम अपने पेरेंट्स को एज ए डिपेंडेंट ला सकते हैं, क्या हम अपने सिबलिंग को एज ए डिपेंडेंट ला सकते हैं। तो यूके में डिपेंडेंट वीज़ा के जो रूल हैं उसमें सिर्फ आप ला सकते हो अपने पार्टनर को, आपके वाइफ या आपके हस्बैंड को। उसके अलावा आप ला सकते हो आपके जो बच्चे हैं, अगर उनकी एज 18 ईयर से कम है तो आप उन्हें एज ए डिपेंडेंट ला सकते हो। तो आप अपने सिबलिंग या फिर पेरेंट्स को अपना एज ए डिपेंडेंट बना के नहीं ला सकते। तो अब मैं बात करती हूँ चेंजेस की। इस टाइम पे जो मेजरली चेंजेस ऑब्जर्व करे जा रहे हैं, जो यूके गवर्नमेंट ने करे हैं, वो करे हैं स्पेशली रिलेशनशिप को लेके। रिलेशनशिप में जब मेजर चेंजेस ये है कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पे न्यूज़ थी, आर्टिकल्स थे, वो आ रहे थे। स्पेशली बांग्लादेश से काफ़ी यहाँ पे लोग आए थे। जब उनको चेकिंग करा गया उनकी एयरपोर्ट पे, तो ऑब्जर्व करा गया कि वो एक्चुअली में किसी रिलेशनशिप में थे ही नहीं। कंसल्टेंट ने फेक रिलेशनशिप बनवा के उनको एज ए डिपेंडेंट वीज़ा पे भेजा था। काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस की बातें भी अब देखने के लिए आ रही हैं, जिसके बाद यूके गवर्नमेंट ने मेजर चेंज करते हुए अब जो आपको रिलेशनशिप है वो प्रूव करना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप प्रूफ में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि पिछले 2 साल से आप सेम पर्सन को जानते हो, सेम पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप है। फिर चाहे आप एज ए सिविल पार्टनर हो, आप मैरिड हो, कैसे भी आप अपने पार्टनर को ला सकते हो, पर पिछले 2 साल का रिलेशन प्रूव करते हो। अब लेके चलती हूँ ऑफिशियल साइट पे। ऑफिशियल साइट पे यहाँ पे मेंशन है कि आप अपने डिपेंडेंट को ला सकते हो, पर उसकी जो एप्लीकेशन है वो आपको सेपरेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे नेक्स्ट मेंशन है रिलेशनशिप, कौन से रिलेशनशिप में आप डिपेंडेंट वीज़ा को ला सकते हैं। योर हस्बैंड, वाइफ, सिविल पार्टनर और अनमैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं। योर चाइल्ड अंडर 18 ईयर Including if they were born in UK during your stay, अगर वो यहाँ पे born होते तब भी 18 ईयर से अंडर। योर चाइल्ड ओवर 18 if they are currently in UK as your dependent, it means कि अगर आपके 18 ईयर से छोटे बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं, अगर उसकी एज 18 ईयर से ऊपर हो चुकी है तब भी वो यहाँ पे रह सकते हैं, क्योंकि उससे पहले वो यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में ही मेंशन है यू विल नीड टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ योर रिलेशनशिप व्हेन यू अप्लाई, तो एविडेंस आप तो देने पड़ेंगे। इसके बाद है योर पार्टनर, यू मस्ट बी एबल टू प्रूव दैट Either you are in civil partnership or marriage that's recognized in UK or you have been living together in relationship for at least 2 years when you apply. तो आपको इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करनी पड़ेगी। या तो आप 2 साल से एक साथ रह रहे हैं, या फिर आप सिविल पार्टनर हैं और आपकी जो मैरिज है वो UK के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग रिकग्नाइज्ड है। तो इसके बाद जो मेंशन करा गया है वो चिल्ड्रंस के बारे में है, चाइल्ड के बारे में है। अगर आपके बच्चे आपके साथ में आ रहे हैं, यहाँ पे मेंशन है कि वो आपके साथ रहते होने चाहिए, अनलेस एक ऑप्शन दी है कि वो किसी बोर्डिंग स्कूल या यूनिवर्सिटी के हॉस्टल वगैरह में ना हो और वो मैरिड ना हो, उनका कोई पार्टनर ना हो, या फिर उनके आगे से कोई बच्चे ना हो एंड वो फाइनेंशियली आप पे डिपेंडेंट हो। तो अगर आपके बच्चे आपके साथ रह रहे हैं तो आपको उनका एड्रेस प्रूफ के लिए एविडेंस देना पड़ेगा। वो बैंक स्टेटमेंट हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड बिल्स हो सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, NHS रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट हो सकता है एंड ऑफिशियल लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी और कॉलेज से हो सकता है वो लेटर। तो ये तो बात हुई क्या है ऑफिशियल साइट पे मेंशन। अब मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूंगी कि एक्चुअली में क्या चल रहा है इस टाइम पे, कौन से डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करी जा रही है और कोई डॉक्यूमेंट्स दे भी रहे हैं लोग की एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो मैरिजेस है वो रिसेंट है, न्यू है एंड वो कैसे प्रूव करेंगे 2 ईयर ओल्ड मैरिज। तो इंडिया में जो रिलेशनशिप प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स दिए जाते थे जब हम आए थे, जब आज से कुछ
मंथ्स पहले तक वो नॉर्मल होता था आपका मैरिज सर्टिफिकेट। अगर आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट सबमिट करवा रहे हो तो उसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाना पड़ता था, पर क्योंकि अब रूल चेंज हो चुके हैं तो डॉक्यूमेंट भी इंक्रीज हो चुके हैं। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हैं कि अब हम 2 ईयर का रिलेशनशिप प्रूफ करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, क्योंकि इंडिया में जो मैरिजेस हैं वो काफ़ी हद तक अभी भी अरेंज मैरिजेस होती हैं, एंड उस टाइम पर जो लोग हैं वो एक दूसरे को 2 साल से नहीं जानते होते, उस केस में आप क्या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस टाइम पे जो लोग ज़्यादातर आ रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स में वो दे रहे हैं, सबमिट करवा रहे हैं, वो तो ऑफ कोर्स उनके मैरिज सर्टिफिकेट रहते हैं, उनके शादी के कार्ड होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, सिर्फ शादी की पिक्चर्स ही नहीं, आपके रिलेशनशिप की पिक्चर्स कि आप एक दूसरे को जानते हो, आपको ज़्यादा पिक्चर्स प्रोवाइड करवानी पड़ती हैं। अब 20 to 25 पिक्चर्स तक लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं UKVI को, और इन केस अगर UKVI आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की डिमांड करती है स्पेशली रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि अब ऐसा भी हो रहा है कि काफ़ी लोगों को एक मेल आ रही है जिसमें कि उनको बोला जा रहा है कि आपको अपना रिलेशनशिप प्रूव करना पड़ेगा, तो उस केस में आपको व्हाट्सअप चैट या फिर ईमेल्स जो भी जिस भी वे से आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो अगर आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है तो वो आपको सबमिट करना पड़ेगा कि यस हम एक दूसरे को जानते हैं, इतने सालों से जानते हैं, तो ऐसे जो प्रूफ है वो आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। उसके अलावा अगर आपकी रिसेंटली अरेंज मैरिज हुई है तो काफ़ी लोग जो इस टाइम पे सबमिट करवा रहे हैं एफिडेविट, इंडिया में एफिडेविट बनते हैं किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए कोर्ट की तरफ से, तो वो एफिडेविट बनाने पड़ते हैं। काफ़ी लोग जिन लोगों ने मैरिज अटेंड करी होती है उनके एफिडेविट बनाते हैं कि यस हम इन लोगों को जानते हैं, इनकी रिसेंटली मैरिज हुई है जो कि जेन्युइन मैरिज है, तो ऐसे एफिडेविट भी अब आपको सबमिट करने पड़ सकते हैं। तो अगर आपके कंसल्टेंट आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स के लिए बोल रहे हैं स्पेशली फॉर डिपेंडेंट वीज़ा, तो वो कुछ भी गलत नहीं बोल रहे, आपको अब एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा अपना रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए। तो इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी 2 ईयर से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं या फिर मैरिड है 2 ईयर से, तो आप उसे प्रूव करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो जिस भी जगह पे आप दोनों का नाम एक साथ हो। समटाइम ऐसा होता है कि जो फीमेल होती है उसके हस्बैंड का नाम काफ़ी डॉक्यूमेंट्स पे आ जाता है, तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। उसके अलावा बिल्स में अगर आपका कोई ज्वाइंट अकाउंट है ऐसा कहीं पे जहां पे आप दोनों का नाम 2 साल से एक जगह मेंशन है, वो कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हो आप। और इन केस जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हो और वीज़ा ऑफिसर आपके एविडेंस के साथ सेटिस्फाइड नहीं होते तो वो आपको इंटरव्यू के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। जो रूल बुक UKVI ने पब्लिश करी थी उसमें ये स्पेशली मेंशन भी है कि वो आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट करेंगे अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है आपके एविडेंस। मैं बात करूंगी स्किल वर्कर वीज़ा वालों की। स्किल वर्कर वीज़ा पे भी जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको भी UKVI की तरफ से एक मेल आ रही है जिनके वीज़ा डिले हो रहे हैं कि आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अब एडिशनल डॉक्यूमेंट में जो एक डिमांड करी जा रही है वो ये करी जा रही है कि आपने अपने प्रोसेसिंग के बारे में प्रूव करना है कि आपने जो स्पॉन्सरशिप है वो कैसे फाइंड करी, क्या प्रोसेस था, कैसे कंपनी को आपने अप्रोच करा। तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स के लिए वो क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरे काफ़ी व्यूअर्स को भी ऐसी मेल आई हैं, उन्होंने कमेंट भी करा था कि जो लोग स्पेशली कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं वो तो और भी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमने तो कम्युनिकेशन करी ही नहीं कंपनी के साथ, क्या हम जो हमारी इंटरव्यू हुई थी वो प्रोवाइड कर सकते हैं। यस, अगर आपने कोई इंटरव्यू दी है, कंपनी ने आपको मेल करी है, तो उसे आप प्रोवाइड करवा सकते हो एज ए जो आपका प्रोसेस था उसकी कि आपने इंटरव्यू दी है, पर उससे पहले जो मेनली आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि ये कंपनी आपने फाइंड कैसे करी, कैसे आपको पता चला कि इस कंपनी के पास वैकेंसी है। अगर सेम कंपनी ने कोई इंडीड, लिंक्डइन या ऐसी किसी भी ऑनलाइन साइट पे कोई ऐसी जॉब वैकेंसीज के बारे में पोस्ट करा है उसे भी आप ऐसे डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हो कि इसके थ्रू आपने अप्रोच करा था। और उसके अलावा अगर आपकी कोई कम्युनिकेशन हुई है ईमेल के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, तो आप उसे भी एज ए प्रूफ प्रोवाइड कर सकते हो। तो बेसिकली अब UKVI क्या कर रही है, वो पता करने की ट्राई कर रही है कि कौन जेन्युइन है, किन्होंने जेन्युइन स्पॉन्सरशिप फाइंड करी है, कौन यहाँ पे आके जेन्युइनली वर्क करेगा, क्या आप एलिजिबल भी हो वर्क करने के लिए। तो ऐसी सारी चीज़ें जो अब UKVI है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हर एप्लीकेशन के जा रही है। काफ़ी लोगों को अभी भी नो डाउटली बहुत ही इजीली वीज़ा मिल रहा है, स्पेशली जिनका जो बैकग्राउंड है वो नर्सिंग का है, या फिर कोई अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो हो सकता है कि आपको इतनी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको अब वीज़ा लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं UK की, स्पेशली हेल्थ केयर में। तो अगर आप ये अप्लाई करने वाले हो तो मेक श्योर करना कि आपके पास इनर प्रूफ पहले से ही रेडी हो, क्योंकि अप्लाई करने से पहले आपको मैसेजेस करने पड़ेंगे, ईमेल करनी पड़ेगी। अप्लाई डेट के बाद की ईमेल्स आप नहीं दिखा सकते, उन्हें भी पता चल जाएगा कि आप ये जो ईमेल है वो जनरेट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आपके जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है वो डिमांड करी गई है। तो पहले ही अगर आप कंपनी के साथ कम्युनिकेट करते हो थोड़ा सा, तो वो अगर बाद में आपको कोई ऐसा प्रूफ देने के लिए बोला जाता है तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि इस थ्रू
इस ईमेल के थ्रू या फिर ऐसे आपने जो कम्युनिकेट करा है, जो कंसल्टेंट है जो डायरेक्टली आ रहे हैं, काफ़ी लोग काफ़ी कंसल्टेंट तो उनका हैंडल कर लेते हैं, वो ऑफर लेटर मंगवा लेते हैं पिछला, क्योंकि वो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ कंपनी के साथ ऑफकोर्स मिलके वो वीज़ा प्लान करते हैं, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। पर सम टाइम कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली पासपोर्ट तो आपका ही है, रिजेक्शन तो आपकी ही आएगी। तो थोड़ा सा मेक श्योर आप भी करना है कि आपका जो प्रोसेस है वो स्मूथली जाए। ये थी आज की वीडियो, होपफुली काफ़ी लोगों का काफ़ी डाउट क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, आप मेरा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड आप मेरा सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इन सारी चीज़ों का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग की।